ये नेपाल सीमा पे जो है हमारा रुपईडीहा थाना है, और वहाँ से काफ़ी शिकायत मिल रही थी कि नेपाल के अंदर से नेपाली शराब जो है की तस्करी हो रही है, जिसके बारे में हमारी कई दिनों से कार्रवाई चल रही थी, जिसमें काफ़ी अवैध शराब बरामद हुए हैं। आज रेलवे में भी छापेमारी करके हमारी जो ट्रेन आती है, ट्रेनों के माध्यम से भी काफ़ी शराब आने की सूचना थी, जिसमें कुल 9 बच्चे पकड़े गए हैं, और ये सभी बच्चे जो है 9 साल से लेकर 9, 10 साल, 11 साल के बीच के बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, जिनको जानकारी नहीं है इस क्राइम के बारे में, उनको इन्वॉल्व करके दारू शराब लाया जा रहा था। इसमें ये भी जानकारी हुई कि जो रेलवे की हमारी जीआरपी है और उसमें आरपीएफ लगती है, और बॉर्डर में जो है तस्करी को रोकने के लिए एसएसबी लगी हुई है, सबकी मिलीभगत की बात जो है बच्चों ने बताया है कि ये इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है, जो सिंडिकेट हैं या जो इसको तस्करी को करा रहे हैं, वो लोग सारे विभाग को इसमें मिलीभगत करके और ये धंधा चला रहे थे। इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है बरामदगी हुई है। मैं जो जो विभाग इसमें इन्वॉल्व है, सबके खिलाफ मैं कार्रवाई करने के लिए और इसमें लिखापढ़ी कर रहा हूँ, और सबके खिलाफ इसमें वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा।